सुनील नारायण वेंकटेश अय्यर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर जीता कोलकाता नाइट राइडर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुए बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, IPL 2024 का 10वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हरा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ दोस्तों आप भी इस मुकाबले को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डुप्लेसिस ने और गिरा के आर के कैप्टन सरयास अय्यर के पक्ष में। उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। पहले तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया RCB को। फेफ डुप्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोस्तों पहला ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया विराट कोहली ने। तो इसके बाद दूसरे ओवर डालने आए हर्षित राणा की पांचवी गेंद पर एक शानदार शॉट यहाँ पर फेफ के बल्ले से देखने को मिला और उन्होंने स्कोप के जरिए गेंद को थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेजा। इसकी अगली ही गेंद पर वो एक बार फिर से स्कोप करना चाहते थे गेंद को, लेकिन इस बार बीच में आ गए मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ने पहली सफलता दिला दी कोलकाता को। पेप की बात करें तो वो 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का टिप स्क्वाड लेग के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले का इनसाइड एज लग कर गेंद एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और महंगा ओवर यहां पर मिचेल स्टार्क का समाप्त हुआ। इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी हर्षित राणा के एक अपर कट के जरिए थर्ड मैन की तरफ चौका लगाने में कामयाब हुए कैमरून ग्रीन। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका ग्रीन ने लगाया सुनील नारायण की गेंद पर और कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस अगली गेंद पर भी जारी रहा और एक और शानदार शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से वाइड कवर की तरफ। इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कैमरून ग्रीन ने और बैक टू बैक चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर इस ओवर को महंगा ओवर साबित कर दिया सुनील नारायण के ओवर के और 6 ओवर में 61 रन बना लिए पावर प्ले में, जबकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की 5वीं गेंद पर एक और छक्का विराट के बल्ले से स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसल ने कैमरून ग्रीन को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ग्रीन, लेकिन 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर वो भी पेवेलियन लौटे। इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर विराट ने सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक अर्धशतक रहा इस IPL में उनका। इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने भी 12वें ओवर की 4वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक चौका लगाने में वो कामयाब हुए, जबकि चक्रवर्ती की ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वां ओवर डालने आए नारायण ने बेहतरीन ओवर डाला, लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की 3री गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई और एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर यहां पर सुनील नारायण ने चलता किया ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे। वो अपनी फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें पेवेलियन भेज दिया सुनील नारायण ने। उन्होंने 29 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहाँ पर 15वें ओवर की 4थी गेंद पर सुनील नारायण की विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगाया, यह भी एक बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ देखने को मिला। अब अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 17वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और ओवर की 3री गेंद पर रजत पाटीदार को डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया। रजत पाटीदार का एक और मुकाबला बेहद ही खराब रहा, जहां पर वो 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 3री गेंद पर हर्षित राणा ने अनुज राउत को भी फ्लिप सेल्ट के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया। यहाँ पर अनुज राउत
भी तीन गेंदों का सामना करने के बाद तीन ही रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आंद्रे रसल की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए दिनेश कार्तिक। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला और इस ओवर में दो बेहतरीन छक्के उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर फाइनले के ऊपर से एक शानदार छक्का दिनेश कार्तिक ने भी जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर यहां पर रनआउट हुए दिनेश कार्तिक, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 182 रन बनाए। विराट ने नाबाद 83 रनों की पारी खेली। वहीं पर 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफ़ी शानदार रही, जब दोस्तों पहले ओवर में दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का और मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला फिल सेल्ट के बल्ले से। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शुरुआती तीन गेंदों पर ही 10 रन आ गए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद को भी कहाँ वो छोड़ने वाले थे और इस गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने भी मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। इस ओवर में वाइड का पंजा भी मिला जिसके चलते दो ओवर में 27 रन बना लिए केकेआर ने। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की गेंद पर इस बार 91 मीटर का बड़ा छक्का देखने को मिला सुनील नारायण के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर में भी शानदार तरीके से दो बेहतरीन छक्के केकेआर की टीम की तरफ से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का सुनील नारायण ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर जड़ दिया। ये भी कमाल का शॉट था जहां पर उन्होंने 69 मीटर दूर गेंद को डीप स्कर्ले के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर छठा ओवर डालने आए यश दयाल की इस ओवर में भी कमाल बल्लेबाजी रही जहाँ पर पहली गेंद पर चौका लगा, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद जो कि यहाँ पर स्लोअर गेंद थी लेकिन स्लॉट में पड़ी और इसको सामने की तरफ छक्के के लिए एक बार फिर सुनील नारायण ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 86 रन बना लिए केकेआर ने। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद जब एक बार फिर सातवां ओवर डालने आए मयंक डागर, तो तीसरी गेंद पर उन्होंने बोल्ड करके पेवलियन भेजा सुनील नारायण को। सुनील नारायण का ये बड़ा विकेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को मिला। नारायण कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 22 गेंदों पर 47 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आठवें ओवर की पाँचवीं गेंद पर विजय कुमार व्यस्क ने यहाँ पर पेवलियन भेज दिया फिल्प सेल्ट को भी। कैमरून ग्रीन ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को दूसरी सफलता मिली। हम बात करें फिलिप सेल्ट की, तो उन्होंने 20 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर इस सीजन का सबसे बड़ा छक्का जड़ा जहां पर उन्होंने 106 मीटर का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाकर इस आईपीएल का सबसे बड़ा छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद यहां पर सरेश अय्यर ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका विजय कुमार की गेंद पर लगाया। हालांकि उन्हें जीवनदान मिला लेकिन यहां पर चौका मिला। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया अल्जारी जोसेफ की गेंद पर। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की पांचवी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इस बार कमाल का शॉट उन्होंने विकेट के पीछे खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और कैमरून ग्रीन जब गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 29 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का मोहम्मद सिराज की गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद 15वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन
अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया। अर्धशतक के लिए मात्र 29 गेंदों का ही इन्होंने सामना किया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का यहाँ पर सुरेश अय्यर ने भी जड़ दिया। ये भी एक बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर यश दयाल ने वेंकटेश अय्यर जब उनकी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे और 30 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले को समाप्त किया सुरेश अय्यर ने। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मयंक डागर की गेंद पर एक और शानदार छक्का मिडविकेट के ऊपर से जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 16.5 ओवर में ही इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। KKR के लिए नारायण ने 46 तो वेंकटेश ने 50, वहीं पर सुरेश ने 39 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।